वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज आपके लिए एक रिक्वेस्टेड स्पेशल रेसिपी में बना रही हूँ, मावा की रोटी। तो 200 ग्राम आपको मावा ग्रेट करना है, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालना है 2 कप आटे में, और इसे रोटी के आटे की तरह थोड़ा सख्त आप गूंद लीजिए। और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लीजिए और फिर इसे आधे घंटे के लिए आप ढककर रख दीजिए। हमने मावा ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट आ गया है 3 से 4 मिनट बाद। अब हम और थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, और करीबन 7 से 8 मिनट रोस्ट कर लिया है मैंने। अब इसमें पिसी हुई शक्कर 1/4 कप और नटमेग हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। तो पिसी हुई शक्कर 1/4 कप और 2 टेबलस्पून आप डाल दीजिए, और 1/2 टीस्पून हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप इसे कूट लीजिए। अगर मिक्सी नहीं है तो इस तरह से मैं इसे कूट कर रही हूँ, और ये पाउडर हमारा बन के रेडी है। अब हम चपाती से थोड़ा बड़ा गोला ले लेंगे और फिर इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद आप इसे इस तरह से लॉक कर दीजिए। जितना आप स्टफिंग भरोगे उतना वो अच्छा टेस्टी बनेगा। अब हम हल्के हाथ से इसे रोल कर लेंगे, और हमारी जो साइड्स होती है वो हमें पतली रखनी है। पैन गरम हो गया है, अब हम इसको घी में सेक लेंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हो। तो अब ये अच्छे से फूल गया है, इस पर मैंने घी लगाया है। तो ये हमारे नरम पराठे बनके तैयार है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसे आप घी के साथ खा लीजिए। और महाराष्ट्र में मोस्टली इसे आमटी के साथ खाया जाता है। अगर आप आमटी का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।